नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, अब वक्त है मदरहुड डाइट का। आप जानते हैं प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, कई उतार चढ़ाव से गुजरती है। वो उतार चढ़ाव मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं। उन्हीं में से फिजिकली उतार चढ़ाव में एक जो समस्या है वो कई महिलाओं को काफ़ी परेशान करती है, और वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। आज मदरहुड गाइड में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, कब्ज आखिर प्रेगनेंसी में होती क्यों है, क्या हम ऐसी कमी छोड़ते हैं अपने खाने में, या हम क्या चीज़ ऐसी करते हैं जिससे कब्ज हो जाती है, कुछ घरेलू उपाय जिनसे हम कब्ज पर काबू पा सकते हैं और साथ ही हमारी बाउल मूवमेंट भी बढ़िया हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। दोस्तों, पहले जानते हैं कब्ज होने का कारण क्या है। हर महिला पर अलग अलग कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो कब्ज का कारण मेरा रहा हो वो ही आपका हो, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन कारण हैं जो कि आमूमन महिलाओं को होती हैं। पहली, जो सबसे पहला कारण है, हम प्रेगनेंसी में अपनी मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, हम फिजिकली एक्टिव ज्यादा नहीं रहते। ये एक कॉमन कारण होता है कब्ज होने का। दूसरा कारण होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रही है और प्रेगनेंसी में वो बढ़ जाती है। तीसरा कारण, मोस्टली महिलाओं में यही कारण पाया जाता है, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल काफी बढ़ जाता है, वो हमारी बाउल मूवमेंट को इरिटेट करता है, तो इस वजह से प्रेगनेंसी में कब्ज ज्यादा हो जाती है। जिनकी पहले से चलती आ रही है वो बढ़ जाती है, और जिनकी नहीं होती है उन वो मतलब पैदा हो जाती है कब्ज की प्रॉब्लम। चौथा जो मेन कारण है वो ये है दोस्तों कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ रही है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, बेबी डेवलप हो रहा है, और हमारी बॉडी के निचले हिस्सों पर यानी कि इंटेस्टाइन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे कि बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है। इन्हीं कारणों में से हम अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको कारण बताया था कि हम फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। देखिए, बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी, उसमें बोलते हैं ये खाइए, वो खाइए, फाइबर रिच फ्रूट खाइए, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप फिजिकल एक्टिव ज्यादा रहेंगे। जी हाँ, आपको अपनी प्रेगनेंसी में जब तक डॉक्टर ने कहा है फिजिकल एक्टिव रहिए, आप मॉर्निंग में वॉक पर जरूर जाएं। देखिए, काफ़ी रिसर्चेस ये बताती है, अगर आप मॉर्निंग फ्रेश होने से पहले अगर मॉर्निंग में वॉक करते हैं, यानी कि स्टूल पास करने से पहले मॉर्निंग में वॉक करते हैं, तो ये आपकी बाउल मूवमेंट को बेटर बना देता है। तो ऐसे में मॉर्निंग वॉक कीजिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपका कोई टाइम नहीं है कि आप स्टूल कब पास कर रहे हैं, तो इससे आपका टाइम भी निर्धारित हो जाएगा कि सुबह के टाइम आपको फ्रेश होने की आदत हो जाएगी, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी कोई भी खाना खा रहे हैं, कैसा भी खाना खा रहे हैं, आप अपने पास, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप घर में रहती हैं तो बहुत इजी है, लेकिन आप कहीं जाती हैं, अपने बैग में नींबू जरूर रखिए। अब नींबू आपको कैसे खाना है, आप पानी पी रही हैं उसमें भी नींबू डाल लीजिए, आप कुछ भी खाना खा रही हैं उसमें नींबू निचोड़ लीजिए। दरअसल जो नींबू होता है वो हमारे खाने को पचाने में काफ़ी हेल्प करता है, तो इसलिए अपने खाने में, अपने पानी पीने की आदतों में नींबू को इंक्लूड कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तीसरी चीज़, सुबह जब भी आप वॉक से आए ना, आप चाय या कॉफ़ी पीने के बजाय हर्बल टी का आप ज़रूर सेवन करें। अब हर्बल टी में भी मैं पता है किसको प्रेफर ज़्यादा करती हूँ, मैं सौंफ की चाय। जी हाँ, एक ग्लास पानी में करीब आधा चम्मच सौंफ उबाल लीजिए और छान कर उसमें आप हनी डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, उसको पीजिए। आप यकीन मानिए, ये ज़रूर वर्क करता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मेरे को भी कॉन्स्टिपेशन था और मुझे सौंफ की चाय डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी, और इसको पीने से काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन में राहत मिल गई। अगर आपको सुबह के टाइम इस तरह की हर्बल टी की आदत नहीं है, तो दिन में किसी भी वक्त एक मतलब टाइम बांध दीजिए जब आप ये पिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल से हर महिला पर वर्क करती है, पेट की मसाज। ये मुझ पर भी वर्क करा है। आपको करना ये, जब फ्रेश होने जाए उससे 2 से 3 मिनट पहले कोई भी तेल ले ले, सरसों का तेल, नारियल का तेल, उससे अपने नाभि पर इस तरह सर्कुलर मोशन पर मसाज करें, करीब 1 से 1.5 मिनट।
इससे क्या फायदा होगा, बाउल मूवमेंट अच्छा होगा और आपका स्टूल भी काफी लूज होगा। इस तरह से आप करेंगे ना तो आप खुद में अपने में चेंज देखेंगे। दोस्तों कई महिलाओं को ना कैल्शियम और आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर्स उन्हें सप्लीमेंट देते हैं यानी कि दवाइयां देते हैं, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि महिला में कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको दवाइयां देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो दवाइयां देते हैं। दवाइयों के साथ साथ अगर आप इस तरह के घरेलू उपाय करेंगे ना तो ये बहुत असर आप पर डालेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को बस हल्के में ले लेंगे ना तो ये डिलीवरी के टाइम पे ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी में 101% चांसेस हो जाते हैं कि आपको पाइल्स हो, और पाइल्स जब हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम आगे चलकर आप फेस कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और वो इन उपायों से ठीक हो रहा है तो बेटर है, लेकिन इन उपायों से ठीक नहीं हो रहा है तो इसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन ना बनाएं, तुरंत डॉक्टर से मिले, उनकी बताई गई दवाइयां, उनकी बताई गई थेरेपी को जरूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम नहीं करते हैं, दवाइयां नहीं लेते हैं तो वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है वो डिलीवरी से पहले तक ठीक हो जाता है, अमूमन ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तब वो डिलीवरी के टाइम पाइल्स बनता है और डिलीवरी के बाद काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ना दोस्तों, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर मैं बता रही हूं और इन उपायों से मुझे फायदा मिला है क्योंकि मैंने डॉक्टर के बताए गए ये उपाय अपने डेली रूटीन में शामिल किए थे और मुझे फायदा मिला था और मेरी ये प्रॉब्लम बड़ी रही। दोस्तों इसी तरह के प्रेगनेंसी के एपिसोड हमारे चैनल पर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, कई तरह के हमने वहां पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड एपिसोड्स किए हैं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में किसी भी समस्या से, किसी भी एक कंफ्यूजन से गुजर रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाएं और आपसे शेयर करें।